हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज जयेंद्र तिवारी और मैं ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी इन सभी परीक्षाओं के लिए, उसका थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट में मैंने तमाम सारे अवार्ड्स जो 2017-18 में दिए गए थे तो उन सब के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था UPPCS की स्ट्रेटेजी के लिए और जो 2017 और 16 के जो पेपर थे उनकी एनालिसिस की थी और उसके आधार पर हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था कि हमें कम से कम 85 क्वेश्चंस करने होंगे इस साल सिलेक्शन के लिए। तो उसके आधार पर आप अपने आप उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मेरा सजेशन है आप उसको देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट चुन लो, कम से कम 5 सब्जेक्ट ऐसे जो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ओके, करंट में आपको करा दूंगा तो इस तरीके से आप आराम से प्रिलिम्स को क्लियर कर लोगे। और ये जो पीडीएफ है वो आपको इस FB ग्रुप पे अवेलेबल रहेगी, टारगेट UPPSC 2018, ये मेरा FB ग्रुप है, इस पे अवेलेबल रहेगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग FB पे नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया से कट ऑफ कर जाते हैं, तो बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि दे आर नॉट ऑन FB, तो कैसे PDF मिलेगी। तो आप लोग ये काम करो, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आप गेट सर्किल नाम से सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। अभी बनाया मैंने, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो वो इसीलिए ही बनाया है जिससे कि वो जो ये सारी PDF हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं अगर आप FB पर नहीं हैं तो। ठीक है, तो आप गेट सर्किल डालना, वो मिल जाएगा। तो ये आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा ये सारी PDF। और आप लोग ऐसा मत करना कि PDF ही PDF पढ़ लो और ये वीडियोस मत देखो, क्योंकि वीडियोस में मैं बहुत सारी, जैसे एक पॉइंट है तो इसके साथ में मैं आपको कम से कम 4-5 पॉइंट बताता हूं। तो इस तरीके से अगर 30 क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, तो कम से कम 70-80 क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं वीडियो में। इसलिए आप चतुराई मत दिखा के कि सोचो कि PDF पढ़ लो और जल्दी से 10 मिनट में हो जाएगा, ऐसा मत करो। PDF तो मैं आपको दे देता हूं जिससे कि आपके पास एक थोड़ा सा कंटेंट बना रहे, है ना। बाकी वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आप अपने नोट्स भी बनाते जाओ, वो सही रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है, डालमिया ग्रुप ने दिल्ली लाल किले को 5 सालों के लिए गोद ले लिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रुप ने ये लाल किले को गोद लिया, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, डालमिया ग्रुप याद रखिएगा, और इसको सिर्फ रख रखाव के लिए लिया गया है, इसको बेचा नहीं गया है। ये ऑलरेडी मैं बहुत ही डिटेल में किसी मंथली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। 5 सालों के लिए लिया है, 25 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे डालमिया ग्रुप वाले। ठीक है, 1 साल में उनका 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा इसके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और यहां से ये कुछ भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि लाल किले में एंट्री के लिए वो टिकट लगा दें और पैसा पैदा करें, वो नहीं है। ये जो 25 करोड़ ये लोग खर्चा करेंगे डालमिया वाले, वो जो कंपनी का CSR फंड होता है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके उससे ये लोग 25 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे 5 साल में। ठीक है, तो ये हुआ है। तो इसमें जो है आप ये याद रखो कि ये जो ऐसा जो किया गया ना, लाल किले को जो ग्रुप को दिया गया है, तो वो किया गया है इनकी जो एक एडॉप्ट अ हेरिटेज ये स्कीम लेकर आई थी गवर्नमेंट, उसके अंतर्गत इसको किया गया है। ओके, तो इसमें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ये एक स्कीम है, अडॉप्ट अ हेरिटेज। ठीक है, तो ये जो डालमिया ग्रुप है इसने MOU साइन किया है किस किस के बीच में, एक तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, इन तीनों के साथ मिलकर ये एक MOU साइन किया है डालमिया ग्रुप ने। इतना आप अगर जानते हो तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे। कौन कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, किस स्कीम के अंदर लिया गया इसको, अडॉप्ट अ हेरिटेज, मतलब इसमें जो तमाम सारी कंपनीज हैं ये किसी न किसी ऐसे हेरिटेज को अडॉप्ट करेंगे, गोद लेंगे उसके रखरखाव, उसका रखरखाव करने के लिए। ठीक है, ये इस स्कीम का प्लान है, नॉन रेवेन्यू है ना, कोई इसमें रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट धूप। ओके, ये क्या है प्रोजेक्ट धूप, देखो ये समझ लो कुछ है नहीं इसमें, कि धूप में जो हम जो सनलाइट लेते हैं उसमें क्या होती है, उसमें होती है विटामिन डी। ओके, ये सब जानते हैं, विटामिन डी कैसे मिलती है, सनलाइट से, धूप से। तो अभी क्या हो रहा है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है,
तो इसलिए ये दिल्ली गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है नई दिल्ली में कि बच्चों में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये जो मॉर्निंग असेंबली होती है ना, पूजा होती है, प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है स्कूलों में, वो सुबह होती है, तो उसका टाइम शिफ्ट कर दिया जाएगा 11 से 1। तो धूप में ये पूजा कराई जाएगी, प्रार्थना होगी, असेंबली होगी, मॉर्निंग असेंबली होगी, तो जिससे कि धूप में बच्चे खड़े रहेंगे तो उनको विटामिन डी मिल जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। तो हड्डियां तो मजबूत हो जाएंगी पर धूप इतनी होती है कि हालत खराब हो जाएगी। खैर देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये है, आप समझ लो क्या है प्रोजेक्ट धूप, किस कौन करा रहा है इसको। FSSAI का प्रोजेक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओके, इसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये मैं बता चुका हूं आई थिंक पिछले किसी मंथली वीडियो में या इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया था मैंने, काफी चीज डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से ले लिया इसको। ठीक है, इसमें भारत की रैंक कितनी हो गई है, 138 2018 में, और 2017 में थी 136। ओके, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो सूचकांक है ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी देश में वहां की जो प्रेस है, वहां की जो मीडिया है, उसको कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, कितनी फ्रीडम है उनको अपनी न्यूज को पब्लिश करने के लिए। ठीक है, ये एक फ्रांस की कोई संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, हाँ यही है नाम शायद, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो वो लोग इसको पब्लिश करते हैं। और इसकी थीम क्या है, कीपिंग पावर इन चेक, कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ, ये याद रखना। थीम पूछते हैं लास्ट आरओके पेपर में, तो इन्होंने एनवायरमेंट डे की थीम पूछी थी, तो थीम पूछते हैं वो लोग। और पहला रैंकिंग किसका है, पहला रैंकिंग हमेशा जैसे नॉर्वे वॉर्वे होते हैं तो उन्हीं का है, नॉर्वे को पहली रैंकिंग दी गई है। और आखिरी किसकी है, आखिरी है नॉर्थ कोरिया को, कोरिया की, नॉर्थ कोरिया में कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, टोटल 180 कंट्रीज के लिए इसको जारी किया गया था, तो 180th रैंक किसकी है, नॉर्थ कोरिया की, पहली रैंक है आपके नॉर्वे की, सेकेंड रैंक है स्वीडन की, है ना। ये सभी वीडियो सुनते रहा करो यार, जैसे मान लो कहीं जा रहे हो, कहीं चाय वाय पीने जा रहे हो, तो कान में ईयरपीस लगा लिए और इनको सुनते रहा करो, डाउनलोड करके रख लो, तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, मतलब नहीं भी होगा तभी भी एग्जाम में ऑप्शन देखोगे तो याद आ जाएगा कहाँ ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, और इंडिया की 138, इसलिए जो जो चीजें पूछी जाने वाली होती है ना, वो अक्सर मैं 2-3 बार बोलता हूँ जैसे आपके कान में ज्यादा बार पड़े। ठीक है, तो ये तो हो गया। और जैसे चाइना है उसकी भी बड़ी खराब है, चाइना की जो है 176 रैंकिंग है, चाइना में भी प्रेस को कोई स्वतंत्रता नहीं है, चाइना की 176 है और रशिया की 148 है। ठीक है, और आपका जो अपने नेबर में देख लो तो पाकिस्तान की 139 है, हमसे जस्ट पीछे है। बांग्लादेश को देखने जाओगे तो आपको 146 मिलेगी, बांग्लादेश की 146 है। नेपाल जो हमारा पड़ोसी है उसको 106 रैंक दी गई है। ओके, इवन अफगानिस्तान की भी हमसे अच्छी है कंडीशन, अफगानिस्तान की 118, मतलब अफगानिस्तान में भी वहां की जो प्रेस है उसको हमारी प्रेस से ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है। आई एम सरप्राइज, है ना। चलो ठीक, अच्छी बात है, कुछ फ्रीडम तो है वो उनके पास किसी भी तरीके की। खैर अब तो खैर काफी अच्छी कंडीशन है अफगानिस्तान में। अभी नेक्स्ट पॉइंट है सागर कवच। ठीक है, सागर कवच क्या है, ये 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास हुआ था, केरल के तट पर इसको आयोजित किया गया था। तो ये चीज पूछी जा सकती है कि सागर कवच है क्या, तो आप समझ लो तटीय सुरक्षा एक्सरसाइज है ये। ये पूछा जा सकता है कि कहां पर कंडक्ट की गई थी, मालाबार कोस्ट पे दे दिया जाएगा आपको, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे, केरल तट पे इसको कंडक्ट किया गया था 2 दिन के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना सागर कवच। ओके, सागर कवच जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख लो कि जैसे मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर बताया था कि जो ये जो बाउंड्रीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी जो टेरिटोरियल वाटर होता है ना, आपका बेस लाइन के आगे, बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन जहां तक, जैसे आपका मान लो ये पूरा पानी है, तो यहां जहां से खत्म हो रहा है ये आपकी बेस लाइन है, तो यहां से 12 माइल्स, 12 माइल्स ये जो दूरी होती है वो वहां पे क्या रहेगा, आपका टेरिटोरियल वाटर रहेगा, है ना। टेरिटोरियल वाटर मतलब प्रादेशिक समुद्री सीमा, हिंदी में इसको बोलेंगे टेरिटोरियल वाटर को प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो इसमें जो है आपके सारे राइट होते हैं, आप मतलब वो आपका पूरा एरिया है आप, है ना। इसके बाद और बार आगे जाओगे तो कंटिगुअस जोन होती है जिसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है, 12 माइल्स, तो यहां पर आप साफ सफाई कर सकते हो, इवन सीमा शुल्क आप यहां पे भी ले सकते हो। ठीक है,
इसके बाद का जो 200 माइल्स का जो एरिया होता है 200 है ना, इसको बोलते हैं ईई जेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, यहां पर आप संसाधनों का दोहन कर सकते हो पर कोई सीमा शुल्क नहीं ले सकते हो, है ना। आप अपने जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो सब कर सकते हो। ये चीजें पूछी जा सकती है जो मैं आपसे बोल रहा हूं। यहां पे आप संसाधनों का संदोहन कर सकते हो, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो पर सीमा शुल्क नहीं ले सकते। ईई जेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये याद रखना कितना कितना होता है, 12, 12 एंड 200। ओके, और अच्छा हाँ ये बताओ कि जो सागर जो ये जो लॉज होते हैं समंदर के, ओशन के जो सी के लॉज होते हैं वो कौन देखता है, अनक्लॉस है ना, है कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, ये जो है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी। तो ये जो जो आपके समंदर के रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, वो ये निर्धारित करते हैं। इसके बाद भारत का पहला कीट संग्रहालय, इंसेक्ट म्यूजियम, कहाँ पर बनाया गया है, ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कीट संग्रहालय, जो कीड़े मकोड़े हैं उनका म्यूजियम होगा, वो बनाया गया तमिलनाडु में, कोयम्बतूर में। ओके, देन दिल्ली देश का ऐसा पहला शहर होगा जहां पर प्रदूषक मानक इमिजन नॉर्म्स BS4 से BS6 2019 से ही लागू हो जाएंगे। तो ये एक फैक्ट है। आप एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया में जो जो इमिजन नॉर्म्स हैं वो BS4 से डायरेक्ट BS6 लागू किए जाएंगे 2020 से। ये ऑलरेडी पहले ही सूचना की जा चुकी है। ओके, तो BS5 को स्किप कर दिया जाएगा, भारत स्टेज 5। ये होता क्या है, ये मतलब एक कुछ स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं, तो इनको फॉलो करके जो इंजन होते हैं गाड़ी के वो ऐसे बनाए जाते हैं कि वो प्रदूषण को कम करें। बहुत सारी चेकलिस्ट होती हैं वो आपको फुलफिल करनी होती है कि इतना प्रदूषण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो उसके आधार पे इंजन डिजाइन किया जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे इंजन बना रहे हैं कि जिससे कि वो पोल्यूशन कम करें। तो BS6 है वो और भी कम इमिजन करेगा। तो अब 5 छोड़कर डायरेक्ट BS6 पे हम लोग चले जाएंगे और ये होगा 2020 से। बट दिल्ली में होगा क्या, दिल्ली में 2019 से ही ये इमिजन नॉर्म्स BS6 लागू कर दिए जाएंगे, तो वो पहला सिटी होगा अपने इंडिया का। ओके, तो ये पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में। नासा के टेलीस्कोप हब्बल ने सबसे दूरी पर स्थित तारे को खोजा है जिसका नाम है इकारस। ओके, 9 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये, तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दूरी पर जो तारा खोजा है टेलीस्कोप हब्बल ने वो क्या है, इकारस उसका नाम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आसपा AFSPA, इसको 27 साल बाद किस राज्य से पूरी तरह हटा दिया गया है। ओके, तो आसपा को हटा दिया गया है कहां से, मेघालय से। ओके, 27 साल के बाद हटाया गया है। तो अब जो है 2015 में त्रिपुरा में हटाया गया था। ओके, अभी 2017 में मेघालय से हटा दिया गया है। तो अभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये आसपा है वो किन स्टेट्स में लागू है। अभी भी 6 स्टेट्स में ये लागू है, तो उनके नाम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एक जम्मू कश्मीर, वहां पर ये लागू है, अरुणाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, इसके बाद आपका आसाम में भी है कुछ एरियाज में, पूरे नहीं, पूरे में नहीं है, कुछ एरियाज में है, देन मणिपुर के कुछ एरियाज में है, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ एरिया से हटा दी गई है, इसके मिजोरम में है और नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्ट के 5 स्टेट्स हैं जिनमें अभी भी ये लागू है। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, और जम्मू कश्मीर ये उत्तरी राज्य है। ओके, मेघालय से हटा दिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मंडला से शुरुआत की है इसकी, और ये है क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसका है क्या एम क्या है, ये पंचायती राज को स्ट्रांग करना चाहता है, इसका पर्पज यही है, जो पंचायती राज है उसको स्ट्रांग करना। ठीक है, तो याद रखना। टेस क्या है, TESS, यह क्या है, यह ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है, यह भी नासा का एक सैटेलाइट है, ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। एक्सो प्लैनेट का मतलब क्या, जो हमारे सौर मंडल के बाहर के जो प्लैनेट हैं तो उनको ढूंढने के लिए
एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है टेंस। ठीक है, तो नासा ने एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहरी। तो जो हमारे सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल, उसके बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनको खोजने के लिए, ठीक है, एक्सोप्लैनेट को खोजने के लिए लॉन्च किया है टेस। ऐसे पूछा जा सकता है नाम, ये याद रखना। देन किस देश ने हाल ही में 35 वर्षों के बाद पहला सिनेमा हॉल शुरू किया है? सऊदी अरब, 35 सालों के बाद में। ये इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब से रिलेटेड दो तीन फैक्ट हैं, वो आप देख लो। 35 सालों के बाद वहां पे सिनेमा घर चालू किया गया है। पहले रोबोट को नागरिकता देने वाला राष्ट्र कौन सा है? सऊदी अरब। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो रोबोट है उसका नाम है सोफिया। आप यूट्यूब पे आप डालोगे तो इसका आपको इंटरव्यू मिल जाएगा पूरा, आप इसका इंटरव्यू देख सकते हो, मजा आएगी। ठीक है, इसके बाद 15 साल बाद महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना शुरू किया है, किसने? सऊदी अरब ने। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जिसने 50 सालों के बाद महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना शुरू किया है? तो ये सऊदी अरब है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, देन आगे देखेंगे, भारत ने हाल ही में सर्वाधिक कितनी क्षमता का लोकोमोटिव इंजन बनाया है? ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी क्या हुआ है, अब तक इसके पहले तक इंडिया के पास 6000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन था। ठीक है, अभी इंडिया ने 12000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन बना लिया है। कहां पर बनाया है? बिहार के माधेपुर लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनाया गया इसको। ठीक है, 12000, ठीक है, डबल कर दी है एकदम हॉर्स पावर। और ऐसा मतलब इसके पहले 4 कंट्रीज के पास ही इतनी हॉर्स पावर के इंजन थे, वो थे आपका रसिया, रूस, ठीक है, चीन, चीन के पास तो हर चीज मिलेगी आपको, देन आपका जर्मनी है उनके पास था, और स्वीडन, जर्मनी और स्वीडन, ये 4 कंट्रीज के पास 12000 हॉर्स पावर के थे और हम पांचवें हो गए, फिफ्थ है हम लोग। ठीक है, बढ़िया। देन हाल ही में इसरो ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही पूछा जाएगा, आई थिंक यूपीएससी में 20 से क्वेश्चन पूछा गया था इस साल। तो हाल ही में इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1I, ठीक है, IRNSS-1I PSLV-C41 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नेविगेशन सैटेलाइट है, ये 8वां नेविगेशन सैटेलाइट है, पहले आप ये समझ लो, है ना। टोटल 10 मतलब 10 करने हैं लॉन्च, आई थिंक नहीं, टोटल 11 करने हैं इनको, टारगेट 11 सैटेलाइट लॉन्च करने हैं नेविगेशन, उसमें से ये 8वां था 10 सालों में। ठीक है, नाम क्या है? IRNSS-1I। ठीक है, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV-C41। ये पूछा जा सकता है, इसका वजन कितना है? आई थिंक UPPSS ने कहीं वजन भी पूछा था किसी रॉकेट का, तो याद रखना 1425 kg वजन है। और ये IRNSS होते क्या है? ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म यही है, IRNSS का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको शॉर्ट में नाविक बोलते हैं। ठीक है, नाविक, ये मोदी जी के द्वारा दिया गया नाम है, नाविक, देसी GPS है ये, जैसे अपन लोग GPS है ना यूएस का, ऐसे ही ये जो नाविक है ये हमारा सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। एक्चुअली हुआ क्या था कि इसके पहले जो ये जो सैटेलाइट भेजा गया ना, इसके पहले ऑलरेडी हमारा एक सैटेलाइट काम कर रहा था, IRNSS-1A। ठीक है, ये हमारा सैटेलाइट काम कर रहा था, यही नेविगेशन सैटेलाइट का काम पूरा कर रहा था, पर यहां पे जो वॉच थी ना, क्लॉक, रूबीडियम क्लॉक यूज होती है इन सैटेलाइट में, रूबीडियम क्लॉक, तो उसमें कुछ एरर आ गई है, तो उसकी वजह से ना अब करेक्ट डेटा नहीं मिलता, मतलब टाइम का कुछ लाइक एकदम करेक्ट डेटा नहीं आता है। तो इस वजह से उस इस सैटेलाइट को हटा के ये लोग यहां पर ये शिफ्ट कर रहे हैं, IRNSS-1I, यहां पे यही डिफरेंस है, वो ए था, ये 1I है। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके द्वारा। ओके, आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। देन पहली भारतीय महिला जिनको वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो ये है इंदु मल्होत्रा, ये तो ये पूछा ही पूछा जाएगा, आउट कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रथम भारतीय महिला है जिनको वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त कर दिया गया है, इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी, ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होगा फातिमा बीबी। ओके, तो और ये हाई कोर्ट की जज, पहली जज आजादी के बाद थी लीला सेठ, लीला सेठ, ये हाई कोर्ट की पहली जज थी लीला सेठ, ये आजादी के बाद, और आजादी के पहले अन्ना चांडी,
आजादी के स्वतंत्रता के पहले जो हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी वो थी अन्ना चांडी। स्वतंत्रता के बाद हाई कोर्ट की लीला सेठ, सुप्रीम कोर्ट की पहली जज फातिमा बीबी, और इस समय सुप्रीम कोर्ट में दो महिला जज हो गई हैं। ठीक है, थीके? एक तो आपकी इंदु मल्होत्रा जो अभी हैं, और उसकी जो पहले से थी वो थी आर भानुमति। तो इस समय दो महिला जज हैं, भानुमति, देखो लिखने में नहीं सही सारा, भानुमति, आर भानुमति पहले से ही है। तो दो महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ओके। दो बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स हैं, रूपश्री और कन्याश्री। देखो रूपश्री के बारे में मैं आई थिंक मैंने अप्रैल अप्रैल वाले वीडियो में डिस्कस किया है बहुत डिटेल में। रूपश्री जो स्कीम है वो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। पर्पस बस इतना है कि वहां पे जो कन्या का विवाह होगा तो इसमें आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितनी? 25,000 की, मात्र 25,000 की सहायता दे रहे हैं। 25,000 भाई कौन सी शादी होती है, चलो पर कुछ नहीं से तो बेटर ही है ना। पश्चिम बंगाल की एक योजना है, और इसमें जब ये जो 18 साल हो जाएंगे, कंडीशन यही है कि एज जो है लड़की की वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और जो फैमिली है, जो परिवार है, उसकी वार्षिक जो आय है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये दो फिलफिल करते हैं, तो जब भी लड़की की शादी होगी तो आपको 25,000 रुपए एक बार में आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। कन्याश्री क्या है? कन्याश्री लड़की की शिक्षा के लिए है, और ये भी वेस्ट बंगाल की ही स्कीम है। ओके, तो ये दोनों याद रखना, रूपश्री और कन्याश्री। ठीक है, इसके बाद ये देखो क्वेश्चन बढ़िया है कि लंदन से चीन तक पहुंचने वाली जो पहली ट्रेन है उसका नाम क्या है ना, जो अपने साथ दवाइयां, विस्की, बेबी फूड और मशीनरी लेकर गई है, तो इसका नाम है ईस्ट विंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। लंदन से चीन तक की जो ट्रेन है ईस्ट विंड, ठीक है, इसको भी जब स्टार्टिंग किसी वीडियो में डिस्कस किया था, सारे कंट्रीज बताए थे कौन कौन कंट्री से होकर जाएगी, ये सारे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, है ना। देन भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई है? बाड़मेर में, राजस्थान में। ठीक है, याद रखना भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी कहां पर? बाड़मेर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64th राष्ट्रीय फिल्म, अच्छा ये 65 कर लो, 65वां, ये तो लास्ट ईयर का डेटा है। 65वें राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये लास्ट ईयर का है, इसको कट करो। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, मैंने बताया है, इसका आंसर दो आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए आप, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है ना, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी थी, तो लिख देता हूं, बेस्ट हिंदी मूवी कौन सी थी, ठीक है, हिंदी फिल्म। इसके बाद बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी किसी भी भाषा में, है ना वो। इसके बाद बेस्ट एक्टर, ओके, और बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, देन दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, ये 5 क्वेश्चन हैं, ये आप मुझे बताना। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है 2017 के लिए, पांचों चीजें मैंने पिछले वीडियो में ही बताई हैं, बहुत इजी है, पक्का पता होगा जो लोग मेरे वीडियो फॉलो करते हैं रेगुलरली, और आप लोग से एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे इसके आंसर्स करोगे। ठीक है, देखना चाहता हूं कौन कौन करता है। देन ब्लाइंड T20 विश्व कप किस देश ने जीता, ये भी लास्ट ईयर का इवेंट है, तो ये पता ही होगा आपको, भारत ने जीता था, पुरानी घटना है। ओके, देन 2017 के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन था, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन था, आबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, तो ये याद रखना, आबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ओके, देन प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2017 के मुख्य अतिथि कौन थे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, इसका आंसर भारत है, मैंने सोचा था पहले कि मैं पूछूंगा पर बताई देता हूं। ठीक है, इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा, आई थिंक नवंबर दिसंबर में होगा, उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 16 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। देन सृजन क्या है, SRIJAN, सृजन क्या है और ये किस मंत्रालय से संबंधित है? सृजन, इसका फुल फॉर्म देखो, स्टेशन रेजुविनेशन इनिशिएटिव थ्रू ज्वाइंट एक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक्चुअली रेल मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, ये एक आइडिया कॉम्पिटिशन है फॉर 635 स्टेशन डेवलपमेंट, आइडिया कॉम्पिटिशन है। इसमें क्या होगा कि जैसे एक
इसमें कंपटीशन होगा, इसमें लोगों लोग अपने आइडियाज देंगे, लोग अपने लोगो बना के देंगे, टैगलाइन सजेस्ट करेंगे, तो जिसकी जिसका भी लोगो एक्सेप्ट होगा उसको 75,000 रुपए का इनाम है। ऐसी टैगलाइन जिसकी सिलेक्ट होगी उसको भी 75,000 रुपए का इनाम है। ऐसे तमाम सारे आइडियाज होंगे जिससे कि इन स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा सके। तो यही है सृजन। ओके, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा इसको किया जा रहा है। ओके, देन प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की 2018 की सूची में विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों में पहले स्थान पर कौन है? शी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट हैं, इनको पहली रैंकिंग मिली है। ओके, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, डोंट रीड ओनली पीडीएफ, सॉरी वॉच आवर वीडियोज ऑल्सो बिकॉज आई टेल सो मेनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन। तो आप वीडियोज को जरूर देखना। ओके, काफी हेल्प मिलेगी, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता चलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप तक नहीं किया है तो, और आप टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को पा जाओगे, वहां पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। फेसबुक ग्रुप जाना तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि चूंकि मैं खुद ही कहता हूँ आप सबसे कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, इसलिए फेसबुक पे उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन में तो मुझे आप कमेंट में लिख देना। कभी कभी कई बार ऐसा होता है ना कि मैं रीचेक नहीं कर पाता हूँ टाइम की कमी के चलते, तो कुछ गलत गलत बता दिया हो तो आप कमेंट में आराम से लिख देना बेहिचक। ठीक है, पर हाँ लिखने के पहले एक बार खुद से चेक कर लेना। ओके, क्योंकि बहुत कमेंट्स दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, तो ऐसा ना हो वो लोग भी कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फिर, कल मैं मार्च का पार्ट टू अपलोड कर दूंगा, उसका भी सब रेडी है, बस टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे मिलेगा तुरंत खटाक खटाक से एक वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है वो, पर आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन अ सिंगल वीडियो, पार्ट टू में ही पूरा में खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।